हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट, जो कि सील होने के बाद किस तरह पड़ा हुआ है। आज मेरा सोसाइटी में जाना हुआ और मैंने देखा वहाँ पर प्रोजेक्ट पूरी तरह सील हो रखा है। वहाँ पर ओनली 5-6 गार्ड हैं और एक पुलिस वाला है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर दिन रात काम चलता था। आज वहाँ पे बिल्कुल मशीन ऐसे ही खड़ी हुई है और एक भी पर्सन अंदर नहीं दिख रहा है। और यह बहुत ही दुखद घटना है, जो कि 8 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद ये काम बंद पड़ा है। अब बायर्स के लिए भी एक मुसीबत बनी हुई है कि अब जो काम बंद हो गया, पता नहीं कब तक ये स्टार्ट होगा। और NBCC जो प्रोजेक्ट दिवाली तक डिलीवर करने वाली थी, अब उसका कुछ अता पता नहीं है। वो कब तक प्रोजेक्ट काम स्टार्ट होगा, कब तक कंप्लीट होगा, कब पोजीशन मिलेगा। कुछ टावर हैं जो ऑलरेडी डिले चल रहे थे, उनका भी अब कुछ पता नहीं है कब तक बनेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुखद घटना है कि फ्लैट वायर्स के लिए डिले पर डिले होता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं NBCC रेस्पॉन्सिबल है, कुछ ठेकेदार से रेस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो कि इन्हें पहले से ही इस पर फोकस करना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। आगे पता नहीं आम्रपाली ड्रीम वैली का फ्यूचर क्या है। पेंशन मिलने के बाद भी क्या लोग सही से रह पाएंगे या इसी तरह के इश्यूज आते रहेंगे, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। फ्रेंड्स, देखिए, ये टावर है जहाँ लोग काम करते थे, आज सिंगल पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये सी ब्लॉक है, पीछे ए ब्लॉक है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ये सोसाइटी पूरी तरह सील हो चुकी है, सुनसान पड़ा हुआ है। ये सोसाइटी के सामने का दृश्य है जहाँ पर और भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये स्कूल है, इसके बाद ही फ्रेंड्स इसमें कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं जो उस समय दुखद घटना का साक्षी हैं। आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर लिफ्ट हादसा हुआ था। ये वही लिफ्ट है जो कि 8 लोगों की मौत का कारण है। Thank you.